ये आर्कवत का पेड़ है, राजवृक्ष इसे बोलते हैं, दीर्घ फल इसे बोलते हैं, क्योंकि इसका जो फल होता है वो आप देख सकते हैं बहुत बड़ा बड़ा लंबा जो है वो फल होता है, इसलिए इसे दीर्घ वृक्ष भी बोलते हैं। मैं ये पुष्प संग्रहित कर रहा हूँ, इसका जो है वो हम बनाएंगे, आप ये देख सकते हैं ये फूल जो है, और इसका हम बनाएंगे इसका गुलूकंद, जो कि वात और पित्त रोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा होती है। अब हमने ये पुष्प एकत्रित कर लिए हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारे हमने पुष्प यहाँ जो है वो एकत्रित किए हैं। अब अगला जो मेहनत भरा काम है वो एक एक इसके जो पेटल हैं, इसके फ्लावर हैं, इसको हम यहाँ से निकाल रहे हैं, जो खिले हुए ये पुष्प हैं। बहुत ही प्यारा जो है ये पुष्प है, आप देख सकते हैं जो है वो पीले कलर का है, पीत पुष्प का ये है। अब आप देख सकते हैं हमने इसके जो पेटल्स हैं वो हमने एक एक करके यहाँ पे निकाल दिया है। इसको इसके बाद जो है वो हम इसको पानी में धोएंगे, इसको जो है वो छानेंगे, थोड़ा सा सुखाने के बाद जो है वो गुलकंद की अगली प्रक्रिया हम इसमें करेंगे। तो अलसन भी कहते हैं कुछ क्षेत्रों में जो है वो, इसे आड़ी भी बोलते हैं कि आड़ी यारी फलियाँ, इस प्रकार से पहाड़ी भाषा में जो है वो हम इसे बोलते हैं। तो कुछ ये पेड़ पौधे हैं जिनका हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्व रहता है। आजकल सीजनली जो है वो इसके फ्लावर्स आए हैं, तो मैं सभी मित्रों से ये आह्वान करना चाह रहा हूँ कि ये जो पीत पुष्प हैं इसका आप अपने जीवन में भरपूर लाभ उठाएं, और अपने जीवन को इन पुष्पों की भांति जो है वो रंगीन बनाएं, और वो तभी बनेगा जब आप प्रकृति के इस खजाने को जो है वो निकाल के अपने स्वास्थ्यवर्धन के रूप में जो है वो इसका प्रयोग करेंगे। तो अब ये हमने जो अमलतास के पुष्प हैं इसको हमने पिछले रात्रि को जो था वो पानी में धो के इनको वॉश करके अच्छे से हमने इसको सुखाया है। तो ओवरनाइट हमने ये सूखने के लिए रखे हैं, क्योंकि पानी में जब इसको हम सोक करते हैं तो ये इतने ईजिली जो है वो सूखते भी नहीं हैं। तो अब ये हमारा जो है वो अमलतास पुष्प का गुलकंद बनने के लिए तैयार है। आप ये देख सकते हैं जो है वो ये कांच का डिब्बा है, एक बर्तन है जिसमें हम इसको रखेंगे लगभग 10-12 दिनों के लिए सूरज की रोशनी में। ये जो है वो हमने एक यवकूट चूर्ण बनाया है कुब्ज मिश्री का। मिश्री में जो है वो एक्चुअल में चाशनी कम बनती है और ज़्यादा फायदेमंद रहती है, तो ये हमने जो है ये एक चूर्ण इसमें जो है बनाया है। ये आप देख सकते हैं ये सूक्ष्म एला है, इलायची जिसे हम बोलते हैं, और ये हम इसमें फ्लेवरिंग के लिए जो है वो हम ऐड कर रहे हैं इसमें। तो चलिए अब मैं आपको विधि बताता हूँ कि कैसे ये बनानी है। आप थोड़े से जो है थोड़े थोड़े पुष्प आप ले लेंगे, जैसे मैंने इस प्रकार से लिया, इसको मैंने यहाँ पे इसमें डाल दिया। तो ये पुष्प जो हैं इसमें हम मात्रा के अनुसार जो हैं आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इतने पुष्प हैं हमारे पास, तो इसमें हमने कितना जो है वो ये चीनी या आपका जो कुछ मिश्री का जो चूर्ण है वो आपने डालना है। तो इसके लिए मैं लगभग जो है वो 2-3 चम्मच मैं इसमें डालूँगा। अब इसको मैं अच्छी तरह से मसल लूँगा इस तरह से, ये देखिए। अब हमने सारे ये आर्कवत के जो पुष्प थे उसको हमने इस प्रकार से चूरमा बना लिया है, ये आप देख सकते हैं। इसमें जो है वो कुछ मिश्री मिक्स करके हमने बना लिया है। अब बखूबी आपको ये दिख रहा है कि जैसे गुलकंद होता है। बेसिकली गुलकंद जो है वो गुलाब पुष्पों का रहता है, लेकिन किसी भी पुष्प का आप इस प्रकार से बना सकते हैं, उसे भी हम गुलकंद ही कहेंगे। तो अब ये हमारे पास तैयार है, स्वाद के लिए, फ्लेवर के लिए, उसको थोड़ा सा संस्कार उसका बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे सूक्ष्म एला का जो चूर्ण है उसको हम ऐड करेंगे। तो ये हम थोड़ा सा इसमें ये डाल देंगे, ये जो बीज बीज भाग है इसके वो हमने इसमें ऐड कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। इसको भी इस प्रकार से मिलाएंगे, और ये हमारा तैयार हो गया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि
इसकी जो मेडिसिनल वैल्यू है हमारे शास्त्रों में चतुरंगल भी इसे जो है वो संबोधित करके लिखा गया है। ये जो है वो आपका मृदु विरेचक है। मृदु विरेचक मतलब हल्का दस्त वार, हल्का जो दस्त देने वाला होता है, पेट को साफ करने वाला होता है। तो जिन भी रोगियों को पेट की समस्या रहती है, अक्सर जो है मलबद्धता रहती है, चिरकालीन हो या एक्यूट हो, उनको इस प्रकार का ये गुलकंद बना के जो है वो रोज रात को या सुबह जो है वो इसका भक्षण करना चाहिए। और इस अगर वृक्ष की हम बात करें तो बुखार से लेके आपका पित्त रोग, आपके त्वचा के रोग, आपके पेट संबंधी रोग और मुंह के छाले, बहुत सारी जो बीमारियां हैं उसमें ये राजवृक्षक या जो ये आर्गवत जिसे हम बोलते हैं ये प्रयोग में होता है। तो इसके बहुत से योग हैं, योग में अगर बताने लगूं तो बहुत सारा समय व्यतीत हो जाएगा, लेकिन आपको संक्षिप्त में ये याद रखना है कि आर्गवत जो है ये राजवृक्षक जो है ये वात पित्त पेट संबंधी त्वचा संबंधी मुंह के छालों के लिए, बुखार के लिए, शरीर में जलन के लिए, बच्चों में जो फोड़ी फिंसियाँ होती हैं उसके लिए ये बहुत ही कारगर एवं इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और जब भी आपको इन रोगों के अनुसार जो है वो इस पौधे से अपना चिकित्सा करनी है तो आप एक कुशल वैद्यराज को संपर्क करें और उनसे इस विधा के बारे में जानने की कोशिश करें। तो इसी के साथ ये देखिए अब हमारा ये गुलकंद जो है वो लगभग तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसको ये एक, आप देख सकते हैं कि ये कांच का एक जार है, तो इसमें मैं इसको डाल दूंगा। इसमें हम इसको इस प्रकार से डाल देंगे और इसको सूर्य की रोशनी में हम जो है वो रोज सुबह से शाम तक इसको तपाएंगे। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप सुबह इसको सूर्य की रोशनी में रख दें और शाम को थोड़ा सा इसका जो ढक्कन है वो खोल के आप चम्मच से इसको हिला सकते हैं ताकि इसमें प्रॉपर जो है वो मिक्सिंग हो जाए। और ये देखिए, तो अभी जो है वो हमने बहुत सारे पुष्प जो थे वो एकत्रित किए थे, लेकिन उससे ये इतनी सी मात्रा में ये गुलकंद जो है वो बनके तैयार हुआ है। तो ये बहुत ही मेहनत भरा कार्य है। आप जो है वो ये अब हमने इसमें ढक्कन इसका लगा दिया है, ये आप देख सकते हैं गुलकंद हमारा तैयार है। इसको इसी प्रकार से हम जो है वो सूर्य की रोशनी में रोज तपाएंगे लगभग 10 दिनों के लिए। जो सूर्य की रोशनी होगी उससे ये जो कुब्ज मिश्री है हमने चूर्ण फॉर्म में अंदर डाली है वो पिघलेगी और पिघल के जो है वो हल्का हल्का अपना चाशनी रूप में पानी जो है वो छोड़ेगी और सूर्य की जो ऊष्मा है, जो किरणें हैं, उससे ये पुष्प जो है वो पकेंगे और इस चाशनी में जो है वो उसमें मिश्रित होके जो है वो एक वेल फॉर्म्ड रूप में जो है हमारा गुलकंद तैयार होगा, जो कि खाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो एक बार पुनः इस निवेदन के साथ कि प्राकृतिक चीज़ों का आप भरपूर जो है वो लाभ उठाएं, यह एक हमारी धरोहर है और हमारा स्वास्थ्य वर्धन के लिए बहुत ही अच्छा जो है वो भगवान का दिया हुआ एक तोहफा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, जय भगवान धन्वंतरी, जय आयुर्वेद।